हेलो भाई, मैं अवंकित बजाज प्लेटिना के साथ इस महीने भी नाइंसाफी हो गया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वाले वीडियो में अपन फाइनली 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उस गाड़ी का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्व, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, ये सब भी जानेंगे डिटेल में एकदम। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है। तो 10th नंबर पे आइए TVS की अपाची सीरीज, जहाँ पे अपने को भतेरो अपाची मिल जाते, सबकी कंबाइन मार्च के महीने में 34,683 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 34,593 यूनिट का था। मतलब भाई 90 गाड़ियां TVS अपाची की ज्यादा बिकी है मार्च के महीने में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक जमाने में यार अपाची सीरीज 60-70 हजार यूनिट यूं ही बिक जाया करती थी, लेकिन आजकल देखो भाई 40,000 का भी है, वो लोग आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनकी मोस्ट फेमस अपाची लेना चाहते हो, जिसका नाम अपाची RTR 164V है, वो आपको 1,48,143 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। उसमें पावर देखने को मिलता है 17.31 BHP का, टॉर्क मिलता है 14.73 Nm का, इसके अलावा 45 KMPL का माइलेज, 144 किलो का कर वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 114 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 9th नंबर पे TVS की XL100, ये एक मोपेड स्कूटर है भाई। यहाँ पे दो मॉडल मिलते हैं, दोनों कंबाइन 40,867 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 41,059 यूनिट का था। मतलब 192 गाड़ियां कम बिकी XL100 की, 192 गाड़ियां। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई TVS वालों को। अगर आप XL100 में कंफर्ट वाला मॉडल छोड़ के हेवी ड्यूटी वाला लेते हो तो वो आपको 50,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है ऑन रोड। वहीं अगर आप उसमें कंफर्ट वाला मॉडल लेते हो तो वो आपको 57,217 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप दोनों में से कोई सा भी गाड़ी लेते हो तो दोनों में तो सिमिलर ही इंजन आता है, 4.3 BHP का पावर और 6.5 Nm का टॉर्क, इसके अलावा 55 KMPL का माइलेज, 88 किलो का कर वेट, 9 कॉलर ऑप्शन, बाकी 58 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 8th नंबर पे है TVS की रेडर, इसका हद से ज़्यादा बुरा हाल रहा, मात्र इसकी 38,026 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में 42,063 यूनिट बिकी थी। मतलब भाई 4,037 गाड़ियां कम बिकी TVS रेडर की, 4,037 गाड़ियां। रेडर का कस्टमर भाई एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं भाई, अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखना रेडर का कितना सेल्स गिरेगा। रेडर आपको 1,11,443 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें पावर मिलते हैं 11.2 BHP के, 11.2 Nm का टॉर्क, 55-56 का माइलेज, इसके अलावा 123 किलो का कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 125 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 7th नंबर पे आइए सुजुकी की एक्सेस है, ये 125 cc का स्कूटर है भाई, इसकी 59,336 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि फरवरी में 56,473 यूनिट बिकी थी। मतलब 2,863 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है एक्सेस की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सुजुकी वाले तो भाई एक्सेस ही बेच के अपना इज्जत बचाते हैं। सुजुकी एक्सेस भाई 82,263 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है एक्स शोरूम। इसमें पावर मिलता है 8.6 BHP का, टॉर्क मिलता है 10 Nm का, 45 KMPL का माइलेज, इसके अलावा 103 किलो का कर वेट, 16 कलर ऑप्शन, बाकी 90+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे TVS की जुपिटर सीरीज, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों कंबाइन 71,390 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 73,860 यूनिट का था। मतलब 2,470 गाड़ियां कम बिकी है TVS जुपिटर सीरीज की, 2,470 गाड़ियां। TVS वालों का तो हाल बेहाल होने लगा यार, रेडर भी कम बिकी और जुपिटर भी कम बिकी है भाई। अगर आप जुपिटर 110 लेना चाहते हो तो 90,000 तक मिल जाती है, वहीं अगर आप 125 की तरफ जाते हो तो वो आपको 1,00,000 रुपए तक मिलती है भाई। जुपिटर 110 के पावर अगर के बारे में जान लेते हैं, उसमें मिलता है 7.07 BHP का पावर, 8.8 Nm का टॉर्क, 48 KMPL का माइलेज, 107 किलो का कर वेट, 17 कलर ऑप्शन, बाकी 78 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी अब आते हैं टॉप 5 में, 5th नंबर पे हीरो की HF डिलक्स, इसकी भाई 83,947 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 76,138 यूनिट का था। मतलब 7,809 गाड़ियां HF डिलक्स की ज्यादा बिकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। HF डिलक्स वैसे 70,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन हाँ इसमें अगर आप सेल्फ वाला मॉडल लेते हो तो 80,000 का मिलता है भाई। HF डिलक्स में बिल्कुल ही स्प्लेंडर वाला ही इंजन आता है, आप सभी अच्छे जानते हैं। वो पावर निकाल के देता है भाई 7.91 BHP का, टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का, 65 KMPL का माइलेज, 110 किलो का कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 85+ आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। मेरा आंख तरस आ गया है भाई इसका सेल्स 1,00,000 के अबव देखने को, पता नहीं कब बिकेगा भाई। हालांकि कुछ महीने पहले बिक रहा था, लेकिन अब भाई टच ही नहीं हो रहा। खैर 4th नंबर पे है भाई बजाज की पल्सर सीरीज, यहाँ पे अपने को भतेरो पल्सर मिल जाते हैं, सबकी कंबाइन 1,21,087 यूनिट बिकी है मार्च में, जबकि फरवरी में आंकड़ा 1,12,544 यूनिट का था। मतलब 8,543 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पल्सर सीरीज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पल्सर N160 अगर आप लेना चाहते हो तो मोटा मोटी वो 1,60,000 के समथिंग मिल जाती है आपको। पावर वगैरह मिलता है 15.68 BHP का, टॉर्क मिलता है 14.65 Nm का, 45 KMPL का माइलेज, 152 किलो का कर वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी
120 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी थर्ड नंबर पे होंडा की साइन सीरीज, यहाँ पे अपने को तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, SP125, Sign125 और Sign100, तीनों कंबाइन 141,321 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी में आंकड़ा 142,763 यूनिट का था, मतलब 1442 गाड़ियाँ कम बिकी है, 1442 गाड़ियाँ कुछ होता है भाई। होंडा वालों के पास SP का स्टॉक ही नहीं है यार, हमारे यहाँ तो SP125 बिल्कुल नहीं है शोरूम में, इसीलिए तो इनका कम सेल हो रहा है। पता नहीं होंडा वाले कैसे प्रोडक्शन करते हैं भाई, इतना आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो सकता है लगन वगन में। खैर यहाँ पे Sign125 के बारे में जान लेते हैं, वो आपको 93,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। वहीं Sign100 लेते हो तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाती है, SP125 लेते हो तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। यहाँ पे पावर वगैरह Sign125 के बारे में जान लेते हैं, उसमें पावर मिलते हैं 10.59 BHP का, 11 Nm का टॉर्क है, 55 KMPL का माइलेज, 113 किलो कर वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 102 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी सेकंड नंबर पे होंडा की एक्टिवा सीरीज, इसकी भाई 155,931 यूनिट बिकी है, बाप रे बाप, जबकि फरवरी में आंकड़ा 2,134,000 यूनिट का था, मतलब 44,203 गाड़ियां कम बिकी एक्टिवा की, 44,203 गाड़ियां कुछ होता है भाई। हालांकि एक्टिवा का स्टॉक है होंडा वालों के पास, है एक्टिवा 6G अगर आप लेना चाहते हो या फिर एक्टिवा 110 लेना चाहते हो तो वो 91,148 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप एक्टिवा 125 लेते हो तो वो 95,987 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अपन एक्टिवा 110 के पावर अगर के बारे में जान लेते हैं, उसमें पावर मिलता है 7.73 BHP का, टॉर्क मिलता है 8.19 Nm का, इसके अलावा 47 KMPL का माइलेज, 106 किलो कर वेट, 9 कलर ऑप्शन, बाकी आपको 85 प्लस टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी नंबर वन पे है हीरो की स्प्लेंडर सीरीज, यहाँ पे अपने को दो प्रोडक्ट मिलते हैं, स्प्लेंडर प्लस और सुपर स्प्लेंडर, दोनों कंबाइन 286,138 यूनिट बिके हैं, जबकि फरवरी में आंकड़ा 277,939 यूनिट का था, मतलब 8,199 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है स्प्लेंडर की। वाह क्या बात है भाई, अभी शादी ब्याह का दिन चल रहा है ना, इसीलिए स्प्लेंडर दबा के बिक रही है। अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेना चाहते हो तो 90,000 तक मिल जाती है, वहीं इसमें एक्सटेक वाला मॉडल आता है वो 94,595,000 तक मिलता है भाई। पावर अगर दोनों में सेम ही मिलता है 7.91 BHP का, और टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का, इसके अलावा 60 KMPL का माइलेज, 112 किलो का कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 85 प्लस टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। वही सुपर स्प्लेंडर अगर आप लेना चाहते हो तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाता है, और उसमें एक्सटेक वाला मॉडल लेते हो तो वो इतने से मिलना शुरू हो जाता है। तो यही है वो 10 टू व्हीलर भाई जो सबसे ज़्यादा बिकी है ऑल ओवर इंडिया में मार्च के महीने में। अब आप बोलोगे प्लेटिना के बारे में तुमने कहानी बताया था स्टार्टिंग में, प्लेटिना तो आ ही नहीं है लिस्ट में, इसीलिए तो मैंने लिखा भाई ऐसा, बताओ टॉप 10 टू व्हीलर से वो गायब होने लगी है पिछले 2 महीने से, उसका इतना बुरा हाल चल रहा है, पता नहीं अब क्या होगा उस गाड़ी के साथ, मेरे समझ से तो बाहर ही है भाई, नहीं तो वो डिजर्व करती है यार इस लिस्ट में, भले ही 10वें नंबर पे आए लेकिन डिजर्व करती है इस लिस्ट में। खैर अब क्या कर सकते हैं भाई, लोग बाग स्प्लेंडर को ज्यादा खरीद रहे हैं, प्लेटिना को नहीं खरीद रहे, यही सीन है भाई। जल्दी हम आप सभी के लिए 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर और 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक वाला भी वीडियो लाएंगे। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।